तो गाइस स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल क्लासरूम 2.0। तो हम आ गए हैं वीडियो का पार्ट टू लेकर। मेरा जो पहला वीडियो का पार्ट है, जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, उसका पहला पार्ट है जो बोया माइक का हमने इंस्टॉलेशन करा था, सेटअप करा था, हमने पहले वीडियो में बताया था, वो पार्ट वन था। ये पार्ट टू है जिसमें हम बताएंगे, उसको सेटअप करके दिखाएंगे और ये बताएंगे कि फोन में लगा के उसकी साउंड की जो क्वालिटी है वो कैसे होगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो ज्यादा समय न लेते हुए तो दोस्तों ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, अपने बोया माइक की टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि विद माइक और विदाउट माइक आवाज की क्वालिटी कैसे रहती है। तो सबसे पहले हम इन हाउस शुरू करेंगे, मतलब अंदर शुरू करेंगे, इनसाइड, और देखेंगे कि वीडियो की क्वालिटी कैसे रहती है। तो दोस्तों अभी मैं अपने फोन के जो माइक है उस पर बात कर रहा हूं, यानी कि जो नॉर्मल फोन हमारा होता है उसका रिसीवर होता है माइक्रोफोन, उस पर मैं बात कर रहा हूं। आप देख सकते हैं जो मेरे वीडियो में जो साउंड क्वालिटी है वो कैसे आ रही है, आपको लग रहा होगा, फर्क पड़ रहा होगा। अगर मैं दूर जाता हूं तो ये क्वालिटी और ज्यादा खराब हो जाती है, पर हम देखेंगे कि अब पास आकर कि जैसे ही हम लोग बोया माइक इंस्टॉल करते हैं, बोया माइक लगाते हैं, तो साउंड में क्या फर्क पड़ता है। तो चलिए चेक करते हैं विद बोया माइक। तो जो आप वीडियो आप देख रहे हैं वो विद बोया माइक है, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि साउंड की जो क्वालिटी है वो चेंज हुआ है। नॉर्मली ये जो माइक है हम लोग यहाँ कॉलर पे इस जगह पे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पर इसको क्लिप करते हैं, ठीक है, इस जगह पे इसको इंस्टॉल करना है। और मैं अभी आपको इसकी साउंड क्वालिटी दिखा रहा हूँ कि ये कैसे अंदर, घर के अंदर या इन हाउस ये कैसे काम करता है, इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। अभी आपने पहले देखा कि बिना बोया माइक के हमारा जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कैसा हो रहा था, तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है वीडियो में। तो जो आपकी वॉइस क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो जाती है, आपकी वीडियो में एक प्रोफेशनल लुक आता है बोलने से। तो दोस्तों मुझे बताइएगा कि कैसे लगा, मुझे बताइए कि कुछ फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा है वॉइस की क्वालिटी में, और कमेंट बॉक्स में आप लिखिए। इसके बाद हम टेस्ट करते हैं बाहर जाके आउट हाउस कि बिना बोया माइक के रिकॉर्डिंग कैसे होता है क्वालिटी, साउंड क्वालिटी, और विद बोया माइक बाहर जाके साउंड क्वालिटी कैसे रहती है। तो चलिए अब हम बाहर जाके चेक करते हैं, अंदर आपने यहां देख ही। बाहर आप देख सकते हैं कि फ़ोन का जो माइक है उससे कैसी आवाज़ आती है। सेम डिस्टेंस से मैं अब आपको अपने बोया माइक से दिखाऊंगा कि जब मैं उससे बात करूंगा आपके साथ तो उसमें हमारे फ़ोन में कैसी आवाज़ आएगा बोया माइक की मदद से। तो अभी तो मैं बिना बोया माइक के यूज़ कर रहा हूँ, बट इसके बाद आपको जो मेरी वॉइस आएगी वो बोया माइक के साथ आएगी, तो आप कंपेयर करने में आसानी होगी कि सराउंडिंग में विदाउट बोया माइक और विद बोया माइक कैसे कैसे साउंड आता है। तो अब मैं आपसे अभी बात करता हूँ बोया माइक के थ्रू। मैंने बोया माइक लगा लिया है, तो आई होप आपको बता सकते हैं कि अब आवाज़ कैसी आ रही है। आप बताइए मुझे कि बोया माइक लगा के आवाज़ कैसी आ रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा चेंज फ़र्क पड़ा होगा कि जो हम बोया माइक से कर रहे हैं। देखो फ़र्क तो पड़ता है, जो नॉर्मली हम लोग उससे करते हैं फ़ोन के, अपने फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करते हैं या इससे करते हैं, तो दोनों में अंतर तो आता ही है। और सबसे ज़रूरी कि बोया माइक के हेल्प से जो नॉइस रिड्यूस हो रहा है बाहर का, वो भी मुझे बताइए कमेंट में कि जो आउटसाइडर जो नॉइस आ रही हैं क्या वो कम हो रही हैं। तो ये दोनों का कंपैरिजन है, आप देख सकते हैं दोनों का, कि मैंने आपको करके बताया कि विदाउट माइक और विद माइक फ़ोन में कैसी आवाज़ आती है।